पहले दिन से जहां रचना में सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी सहित आरएसएस पर बेतुका आरोप लगाते हुए सावरकर को महापुरुष मानने से इनकार कर दिया। ओम प्रकाश राजभर ने संसदीय कार्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के अखिलेश मौलाना मुलायम के बच्चे वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता सावरकर के बच्चे हैं, नागपुर में इन्हें झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं सावरकर को भी महापुरुष मानने से इनकार करते हुए कहा, सावरकर उनके लिए महापुरुष हो सकते हैं जो देश के लिए अंग्रेजों के साथ खड़े थे। देश आजाद न हो, जब भी मुकदमे की कोई भी कार्रवाई हुई तो ये तुरंत अंग्रेजों से माफी मांगने का काम करते थे। अब गांधी के हत्यारे को भी बीजेपी महापुरुष बनाने की तैयारी में है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, देश की आजादी में आरएसएस का कोई योगदान नहीं है, बल्कि आरोप लगाया कि देश को आजाद न करने के लिए ये लोग अंग्रेजों के साथ खड़े रहे और माफी भी मांगते रहे। अभी चूंकि आप भी सभा के साथ हैं, समय सभा के साथ जुड़े हुए हैं, अभी हाल ही में संसदीय कार्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का एक बयान आया, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव राजनीति नहीं चूंकि आपका कर रहे हैं, वो मौलाना मुलायम के बच्चे हैं, इनके डीएनए में हिंदू विरोध है, क्या कहेंगे? देखिए, तो ये लोग भी सावरकर के बच्चे हैं ना, हमेशा माफी मांगते हैं। जब भी लोग देखे हैं तो हमेशा माफी मांगने का काम किए हैं। तो ये लोग, इन लोगों को नागपुर में ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, चाहे मंत्री विधायक सांसद हो, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, सबको नागपुर ट्रेनिंग दी जाती है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, जितना बोलते बने बोलो। तो ये सब झूठ बोलने की ट्रेनिंग लिए हैं, ये हमेशा झूठ बोल करके। इनसे पूछिए, आप कभी मिल जाए तो इनसे पूछिए कि महंगाई आज गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के 1000 हुआ, इस पर आप क्यों नहीं कम करते हो? सरकार डबल इंजन की तेरी है, 50 रुपये सरसों का तेल बढ़ा के 200 किया, क्या आप उसको कम कर सकते हो? आप इनसे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर पूछिए। आज भी आप मंत्री हो, 2 साल 11 महीने से सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ने बनाया कैबिनेट के स्वीकृति से, तो क्या उस सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए हिम्मत है इनके पास? देश में जातिवार जनगणना डबल इंजन की सरकार है, क्या जातिवार जनगणना पर चर्चा करने की हिम्मत है? जिस दिन ये जातिवार जनगणना महंगाई पर, भ्रष्टाचार पे, सामाजिक न्याय समिति पर बोलेंगे, उस दिन इनको मंत्रिमंडल से हटा दिया जाएगा। आपने भी इनको सावरकर के बच्चे शब्द से संबोधित किया, ये लोग तो कहते हैं सावरकर महापुरुष थे। अब उनके लिए महापुरुष हो सकते हैं जो अंग्रेजों के सामने देश के लिए अंग्रेजों के साथ खड़े थे कि देश आजाद न हो। जब भी मुकदमे का कोई भी कार्रवाई हुई तो चर्च से वो अंग्रेजों से माफी मांगने का काम करते थे। तो ये लोग अब तो ये लोग गोडसे को भी महापुरुष बनाने जा रहे हैं, जो महात्मा गांधी जी को गोली मारे उसको भी तो ये महापुरुष बना रहे हैं। ये भाजपा के लोग हैं, ये कब क्या बोलेंगे ये खुद नहीं जानते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सावरकर महापुरुष? देखिए, देश में महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उपाधि मिली, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है ना। अब ये कहें कि अब ये सावरकर को और गोडसे को बना दें राष्ट्रपिता, तो वो बन सकते हैं? इनके कहने से थोड़े होगा। देश के लिए जो काम हमारे महापुरुषों ने किया है उसमें योगदान आरएसएस का नहीं है, आरएसएस में जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों का नहीं है। ये लोग माफी मांगने वाली टीम है, झूठ बोलने वाली टीम है।